हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक अनबॉक्सिंग करेंगे। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि भाई, जो आपके पास 4K कैमरा है उसमें आप कौन से एसडी कार्ड यूज़ करते हो। तो उसके ऊपर हम एक आज वीडियो बनाएंगे कि जो 4K कैमरा में एसडी कार्ड जो यूज होता है वो कौन सा एसडी कार्ड है। उसके लिए लोगों का क्वेश्चन आ रहा था। तो मेरा जो पहला वाला जो एसडी कार्ड था वो क्रॉप हो चुका है और मैंने अभी एक नया लिए परचेज़ किया अमेजन से, तो वो डिलीवरी हो चुका है। आज हम उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो ये है वो पैकेज। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर देखेंगे। और पहला वाला भी सेम ही था, पर वो थोड़ा मैं उसको रॉन्ग यूज़ किया था, इसके वजह से वो क्रॉप हो गया। इसलिए मेरे को एक, और अभी जो फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ वो 1080 के ऊपर ही नहीं जा रहा है उसमें क्वालिटी, क्योंकि वो मेमोरी का जो स्पीड बता रहा है वो स्लो बता रहा है इसलिए। और 30 फ्रेम पर सेकंड, 30 FPS से भी ज़्यादा नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है नया। गाइस ये है सैंडिस्क का एक्सट्रीम, देख सकते हैं आप लोग, यही हो। ये एक्शन कैमरा के लिए यूज होता है, स्पीड रिकॉर्ड के लिए। राइट के लिए 80 MBPS/s है और रीड के लिए 170 MBPS/s है इसका स्पीड। तो ये है सैंडिस्क का एक्सट्रीम माइक्रो SDXC कार्ड, ये देखो। तो यही हम यूज करते हैं एक्शन कैमरा के लिए। और अभी जो फिलहाल यूज कर रहा हूँ वो तो नॉर्मल ही है, जैसे हम रेगुलर यूज करते हैं। अभी इसको ओपन करके लेंगे और आपको और थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ ये क्या चीज है। ये तगड़ा पैक करके दिया है भाई एकदम। तो कोई नहीं, से बीच में से खोला जाएगा, नॉट काउंट किसके लिए। और इसके साथ एक और चीज भी आप लोग को दिखाऊंगा। क्योंकि बारिश की वजह से हम तो राइड पे ज़्यादा जा भी नहीं पा रहे हैं अभी आज तक, बारिश ही भाई कोने में। कोई नहीं, जो अपडेट्स होते रहता है वो तो कम से कम पब्लिक के सामने शेयर करना ज़रूरी है, और लोग पूछ भी रहे थे इसलिए मैंने ये किया कि डिमांड था लोगों कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो। कैमरा है मेरा कैसन C6 है, एक्शन कैमरा है और उसमें बैटरी दो आता है, कंपनी बैटरी दो प्रोवाइड करता है। ये रहा सैंडिस्क का एक्सट्रीम, इसमें 4K रिकॉर्ड हो सकता है आराम से, 64 GB है और U3A2 का है। इसके साथ और एक चीज़ है, इसके साथ और एक चीज़ हमने शॉपिंग किया है वो ये है कि, तो ये है थर्मोकोल BHG का, जो कि हम ठंड के सीज़न में यूज़ करेंगे, ठंड के सीज़न में यूज़ करेंगे अपने राइडिंग के टाइम पे। फिलहाल इसको पीछे रखते हैं। ये देखो, ये है भाई DSG रेस प्रो V2, कुछ दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ, अब देखो, Level 2 साइज एक्सेल है। इसको एक बार पहन के दिखाता हूँ मैं आप लोग को।
एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैमरा के साथ ये रिमोट भी रहता है। आप वीडियो फोटो कहीं से भी, मैं अभी इधर हूँ और मैंने वीडियो इधर से चालू कर रहा हूँ और ऑन ऑफ कर रहा हूँ, मैं चाहे इधर से भी फोटो भी क्लिक कर सकता हूँ अपना। ये अच्छी चीज़ लगा मेरे को, बाकी किसके साथ देता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। पर रुकिए मैं पहन के दिखाता हूँ इसको। बाद में दिखाएंगे वो सब। देखो अभी जिम विम भी नहीं जा रहा हूँ, जिम भी बंद है पिछले 2-3 महीने से। फिर भी एक्सेल बैठ रहा है भाई, जिम में जाकर और थोड़ा चौड़ा हो जाता तो फिर डबल एक्सेल मंगाना पड़ता भाई। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जो कि चेस्ट प्रोटेक्टर है, दोनों साइड में भी है, दोनों साइड में चेस्ट प्रोटेक्टर दिया है और यहाँ पे है, यहाँ पे शोल्डर के लिए, और इधर अंदर भी है, ये देख सकते हैं इधर अंदर भी है और ये बाहर से भी है, दोनों साइड से दिया है, और इधर शोल्डर के लिए भी है, शोल्डर प्रोटेक्शन के लिए। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो कि है पीछे का चलना लगता है। बहुत लोग का पसंद है ये, इधर भी एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है बेल्ट टाइप का, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एडजस्ट के लिए दिया हुआ है। तो ये देखो पीछे का बैक सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा तगड़ा बनाया है ये लोग। और इसके साथ तो हेलमेट पहन लिया तो फिर भाई और क्या कहना है। और इसको मैंने कहाँ से परचेज किया था, परचेज देखिए, परचेज किया था यहाँ से मोटो सेंट्रल। फिर से जाएंगे हम मोटो सेंट्रल, और भी कुछ काम है और मैं उधर कुछ सामान मेरा छोड़ के भी आया हूँ, मुझे भूल गया था, इसे शॉपिंग के लिए गया था तो भूल गया था, अभी गया नहीं, फिर जाके तुरंत जाके लेके आएंगे 2-3 दिन में। मेरा ये कहना है कि गाड़ी चलाओ तेज और सेफ्टी के साथ, बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हमने ये सब परचेज किया है ताकि हम थोड़ा सेफ रहें। और ये भी मेड इन इंडिया। गाइज आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना कमेंट करना आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको मेरे को खास करके फीडबैक मिलता है कमेंट में, हर किसी का पढ़ता हूँ, चेक करता हूँ क्या कमेंट किया है भाई ने, और कमेंट में ही पता चलता है कि हमको क्या कमी हो रहा है वीडियो में, क्या हम और थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन था एक भाई का उसके लिए मैंने दिखा दिया कौन सा एसडी कार्ड यूज करना है, राइडिंग गियर्स भी दिखाया आप लोग को कि कौन सा राइडिंग गियर्स मैंने लिया है। अभी और भी आगे जो अपडेट आएगा हम बताते रहेंगे, अभी थोड़ा रेनी सीजन है इसकी वजह से
राइड नहीं हो पा रहा है अच्छे से, क्योंकि जिस दिन हम निकलते हैं मतलब संडे के दिन तो टाइम रहता है, और आज सैटरडे है तो कल संडे बारिश ना हो जाए, अगर बारिश नहीं हुआ तो फिर हम राइड जरूर जाएंगे। कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलेंगे आगे वाला ब्लॉग में। थैंक्स फॉर योर टाइम।